को भी पुरजोर तालियों के साथ, जो यहाँ पे टीम्स हैं, ये खूबसूरत से बलून जो है इनको हवा में छोड़ दिया गया है। और सेना कमांडर 19 ब्रिगेड और उनके साथ डॉक्टर प्रिया राणा के साथ उमर अजहर कपूर, मजीद साहब, उन्होंने ये कबूतर जो है हवा में टॉस जो है बारामूला ने जीता है और वो पहले पहले बाजी करेगी। तो विमुक्तन आ जाए और उसके बाद टीमें जो है फोटोग्राफ के लिए वहां जमा हो जाए बोर्ड के साथ। हाँ जुबैर, इनको वहां पे स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफिसर बारामूला और दीगर जितने भी मेहमान गिरावी हैं उनमें खासतौर पर कमांडर सीओ साहब आकाश साहब, वो भी हमारे मेहमानों को जो है टीमों के साथ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सेंटर विकेट पे एक टैलेंटेड बच्चे चिनार नौजवान ने जो बनाए हैं, तैयार किए हैं, कितनी खूबसूरती से उन्होंने कुछ जो वेस्ट हमारा बैग्स होते हैं या पॉलीथिन्स होते हैं उसके भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे बैग बनाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स सेक्टान। एक बार पुरजोर तालियां हो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के लिए। उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए बैट्समैन एक बार फिर आगे आके खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, नीचे बैठ के गेंद को रोकने की कोशिश की थी लेकिन गेंद उनके पीछे और गेंद जारी है। लॉन्ग ऑफ इधर का जो बहुत ही अच्छी स्वीपर से आगे खिलाड़ी ने कोशिश की थी लेकिन फंबल और गेंद की मारे के बाहर। चार 2023 को जो बारामूला प्रीमियर लीग है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसका आगाज हुआ है और हम उम्मीद करते हैं इससे आने वाली जनरेशन को स्पोर्ट्स की फील्ड में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। इंडियन आर्मी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 बारामूला में हो रहा है। वी वेलकम दिस एंड फॉर द फर्स्ट एंड दिस इज अगेन इंडियन आर्मी हैज प्रूव्ड दैट वी आर डूइंग द बेस्ट एंड दे आर कमिंग टू द एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू द कंट्री बट ऑल्सो टू द सिविलियंस हु आर हियर। मेरे ख्याल से जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल काउंसलर्स है और स्पोर्ट्स काउंसिल के जो जितने भी वाबस्ता लोग हैं उनको भी शाना बशाना इंडियन आर्मी के साथ जुड़ना चाहिए और पर्टिकुलरली जो हमारा यूथ अभी उभर रहा है, जो एक स्टेज से बाहर आ रहा है, उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उनको भी यही मौका है अपने टैलेंट को शो करने का और आगे बढ़ने का। सो आई विश ऑल द गर्ल्स, ऑल द फीमेल्स, ऑल द वुमेन्स बेस्ट ऑफ लक to earn their livelihood and to show their spirit towards the games also, towards the sports also. Thank you very much. Thank you. आप जानते हैं कि यहाँ आज वुमेन्स प्रीमियर लीग जो इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, जैसा आप जानते हैं पिछले दिनों ही बारामूला प्रीमियर लीग मेंस का जो इनेकाद किया गया था और आज यहाँ वुमेन्स प्रीमियर लीग, तो आज हम दोबारा से इंडियन आर्मी का शुक्रिया करते हैं कि इस तरीके से वो इस खेल कूद के मैदान को आगे चला रहे हैं और हमारे नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म का जरिया बन रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जो आज हमारे यहाँ पे बेटियाँ बच्चियाँ जो खेलेंगी वो अपने अच्छे खेल का मुजाहरा करके अपने आगे वाले फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि आपको मालूम है लास्ट ईयर भी हमारे पास जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ उसके बाद एक लड़की हमारी आईपीएल वुमेन्स में सिलेक्ट हुई, तो उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म जो है हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करके यहाँ के लोगों के यहाँ की बच्चियाँ इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने नाम, अपना जो उनके पास जो एनर्जी है उसको अच्छे तरीके से दिखाए और आगे अपने हमारे बारामूला के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, हमारे यूटी के लिए, हमारे नेशनल के लिए अपना नाम बनाए। मेरा नाम है शीजुल एजाज और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ, बिलोंग करती हूँ। सर जो है हमारे ये इंडियन आर्मी टूर्नामेंट है ये सर केपीएल है, कश्मीर प्रीमियर लीग है सर, 2020 से स्टार्ट हो रहा है सर और इसमें बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं जैसे कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अनंतनाग, बांडीपोरा, सोपोर की बहुत सारी टीम्स होती हैं सर। वो जो इसमें जो प्लेयर्स होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं सर, वो ऐसे आम प्लेयर्स नहीं होते हैं। बट हम ये गुजारिश करते हैं आर्मी से कि वो जो लड़कियां खेलना चाहती है सर उनको एक और मौका दे। और सर जो सर ने बोला अभी कि 100 में से 95% होता है सर क्रिकेट होता है लड़कों के लिए
और जो 5% बचता है वो गर्ल्स के लिए। सर मैं चाहती हूँ कि आर्मी टूर्नामेंट से जो आर्मी हमारे यहाँ सी ओ से गुजारिश है कि जो 50-50 करें हमें सर, जो 50 जो 95 में उसे 100 में से 50 दे हमें और क्रिकेट को 100% बॉयज़ को सर, इतना ही बस। वो बोलते हैं सर आज लड़कियां कम नहीं है लड़कों से, बस अगर हम कम नहीं है तो 5% हमें क्रिकेट क्यों देते हैं, 50% क्यों बराबर नहीं देते हैं सर। बस ये जो क्रिकेट है हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपना टैलेंट दिखाएं अपना और इससे भी आगे जाएं। जो हमारी बहुत नेशनल प्लेयर्स हैं सर, जैसे रुबिया सईद हैं, बहुत सारी हैं, इंशद हमारी कैप्टन रणजी प्लेयर है सर, इन्होंने खेला है। हम भी चाहते हैं अपना टैलेंट दिखाएं और आगे बढ़ें सर। और मुझे मुझे सब लड़कियों से गुजारिश है जो अपना टैलेंट दिखाना चाहती है वो आए हमारे साथ बारामूला में, यहाँ इंशादी से कांटेक्ट करें और उनको कोचिंग देंगे हम सर और हमारी टीम में ऐड हो जाएं।